अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ पैटी बर्गर, जिसके लिए चाहिए मुझे चपली कबाब और बंद है, प्याज, टमाटर, खीरा और कुछ सलाद के पत्ते और केचप। और सबसे पहले ये मैं टिक्कियों को तल के लाती हूँ इधर। चलो जी, टिक्कियाँ फ्राई कर लें पहले। और जब तक ये फ्राई होती है तो बंद काट लेंगे। ये देखिए, अगर अब मैं बंद भी काट लूँ इस तरीके से सारे मैं काट लेती हूँ। फ्राई हो चुकी है टिक्कियाँ, अभी इनको निकाल लिया। चलिए सबसे पहले केचप पकड़ते हैं। इस तरह से आप खिला दें सारा। चलिए, केचप लग गया। अब इन पे जाएंगे सलाद के पत्ते, जिनके बगैर तो मज़ा ही नहीं है बर्गर का। देखिए इस तरीके से लगा दें आप सब पे इस तरीके से। इस तरीके से सब पे लगा दें ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, अब ये टिक्की, अब इस तरीके से ये टिक्की भी साथ साथ रख दूंगी मैं। ये देखिए, अब इनके ऊपर इस तरीके से प्याज, ये मैंने इस तरीके से स्लाइस काट लिए थे इसके। ये देखिए इस तरीके से आप लगा दें इस तरीके से। और इस तरीके से टमाटर, खीरे लगा दें साथ इस तरीके से आप लगा दें। और इस तरीके से चलेगी। आप दूसरी साइड पे मैं लगाऊंगी न्यू, इस तरीके से आप इसको भी लगा लो। और चम्मच से इसको इस तरीके से फैला लें। लगा लिया और ये रख लिया। और इस तरीके से सब पे ही मैं इस तरीके से लगा लूँगी। चलिए जी, ये देखें इस तरीके से सब के ऊपर रख दिया। और ये आज के बर्गर तैयार है, पैटीज बर्गर। चलिए जी, पैटी बर्गर तैयार है। अगर आप इसकी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इस तरह ट्राई भी कीजिएगा, बाज़ार से अच्छे बन जाते हैं।